अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अब्दुल रज़ाक व्लॉग, जो कि अब नाम चेंज कर दिया गया है AB रज़ाक व्लॉग के नाम से। तो यार बात कुछ इस तरह से है, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, दोस्त मुझे काफ़ी कह रहे हैं यार तुम्हारा चैनल बनाने का मकसद क्या था, तुम यही हंसी मजाक और इस तरह की बातें गपशप बस यही शेयर किए जा रहे हो, यही वीडियोस अपलोड कर रहे हो। तो असल में मेरी जो फील्ड है, मैं हूँ वाटर ट्रीटमेंट केमिस्ट। तो सब दोस्त ये बोल रहे हैं कि यार वाटर ट्रीटमेंट केमिस्ट पे कोई पोस्ट कोई वीडियो बना के डालें, वाटर ट्रीटमेंट केमिस्ट पे मतलब कुछ लेसन क्रिएट कर लें, 8-10 लेसन जो है ना फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट फील्ड बहुत बड़ी है। तो मतलब जो इंडस्ट्री में एक वाटर ट्रीटमेंट जो केमिस्ट का स्कोप होता है वाटर ट्रीटमेंट केमिस्ट में, तो वो आप जो है ना उसमें शेयर करें, ठीक है। उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका स्कोप है, उसकी वर्किंग है, और केमिकल्स हैं उनकी वर्किंग है, मतलब इस तरह से वाटर ट्रीटमेंट फील्ड से रिलेटेड। तो भाई ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, सिर्फ यही समझाने के लिए कि यार मैं अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे, मुझे देखने वाले लोग ज़्यादा होंगे, देखने वाले जो दोस्त हैं वो जब ज़्यादा हो जाएंगे तो तब उस तरह की वीडियोस डालूँगा तो वो सब तक पहुँचेंगे। अब ये तो नहीं कि यार अभी सब्सक्राइबर ही नहीं है ना दोस्त उसमें ऐड हैं तो मैं वीडियो पर वीडियो डाले जाऊँ तो देखने वाला कोई ना हो। तो भाई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है कि अब वाटर ट्रीटमेंट फील्ड है, ठीक है, उसमें मेरे घर वाले भी मेरी वीडियोस देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको वाटर ट्रीटमेंट का नहीं पता, उनकी ये फील्ड नहीं है। अब मैं पहले दिन से ही वाटर ट्रीटमेंट की वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा तो यार उनके लिए बोरिंग हो जाएगा, भाई ये क्या है, क्या डाल रहे हो, उन्होंने तो यार वीडियो नहीं देखनी। तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं होगा। तो भाई मेरा मकसद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, जब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियोज़ डालूँगा, वन बाय वन डालूंगा, ठीक है। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे आता है वाटर ट्रीटमेंट फील्ड से रिलेटेड, जितना कुछ मैं जानता हूँ तो वो मैं सब कुछ उसमें ऐड करूँगा। तो अभी हंसी मजाक तो चलता रहेगा, हंसी मजाक चलता रहेगा, उससे ये है कि ये जो वीडियोज़ होती हैं ये ओवरऑल होती हैं, मतलब इनको ऑलराउंडर कह सकते हैं, मतलब हर लोग देख सकते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी बूढ़े भी, सब लोग देखेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे कि क्या हो रहा है। कि अब वो जो तरबूज वाली वीडियो डाली थी वो बहुत पसंद की है, सब ने बहुत पसंद की है, उससे पहले दोस्त के साथ मैंने वीडियो डाली थी सैयद बिलाल के साथ, तो वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, दोस्तों ने पसंद की है। तो भाई ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, जब प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो फिर मैं एक वन बाय वन करके एक सिस्टम बनाऊँगा कि यार कि आज मैंने ये इतना समझाना है और इतना बताना है अपने दोस्तों को वाटर ट्रीटमेंट से मुतल्लिक। कुछ जो मेरे दोस्त जानते हैं वो तो उनके लिए तो चलो ठीक है, वो भी मेरी वीडियोस देखेंगे, जो लोग न्यू वाटर ट्रीटमेंट में आए हैं, अभी नए नए आए, 6 महीने हुए हैं, साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, सिर्फ RO पे ही हैं, तो बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट हमारी जो फील्ड है ये सिर्फ RO से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ RO के RO का बटन दबाया बैठ गया बस ठीक है ये वाटर ट्रीटमेंट हो गया। वाटर ट्रीटमेंट में बहुत कुछ है, मुझे तकरीबन 11वां साल है तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत बारीकियाँ हैं, तो वो मैं सब अपने दोस्तों को, अपनी फील्ड से जो रिलेटेड मेरे दोस्त हैं सब से मैं डिस्कस करूँगा और इस पर मैं वीडियोस बनाया करूँगा। तो अभी भाई मुझे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो, मैं अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगा, उससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तब मुझे लगेगा कि जो है ना यार अब मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करने लग गया है, तो तब मैं वो वीडियोज़ डालूँगा, तब उन वीडियोज़ की थोड़ी सी व्यूज़ भी आएंगे और इन वीडियोस को लोग देखेंगे भी सही। अब ये तो नहीं है पहले दिन से मैं डालूंगा तो ज़्यादा ज़्यादा मेरे फील्ड से रिलेटेड दोस्त देख लेंगे जो हैं उनमें से, तो बाकी लोगों के लिए तो वो एक बोरिंग सी चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए भाई अभी मैं ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लूँ, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, क्यों मैंने चैनल बनाया ही इसलिए, तो उससे पहले थोड़ी व्लॉगिंग हो जाए, व्लॉग बन जाए तो ये सिलसिला चलता रहेगा और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स ना खुद भी दूसरे लोगों के देखता था, बहुत इन्जॉय करता था, क्यों ये एक ऐसी चीज़ है हर इंसान को दूसरे की
दूसरे इंसान की जो एक लाइफ होती है ना, उसमें घुसने का ज़्यादा शौक होता है। मुझे भी ऐसा ही था, तो अब मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो जैसा जैसा आगे वक्त आएगा जो होगा, अल्लाह खैर करेगा, बस आप लोगों ने सपोर्ट करना। और वीडियो मेरा लाजमी देखा कीजिए, स्किप ना कीजिए, किया कीजिए, मेरा वीडियो लाजमी देखा कीजिए। वीडियो आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसे शेयर करेंगे, तो एक मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, आपके भाई के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो भी लाजमी देखा कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।